मेरा जन्म पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जन्मभूमि उमराला में हुआ था। बचपन से निर्धन परिवार में बड़े हुए, गांव में 5 रुपये की 2 वस्तु बेचने के लिए निकलता था और खेत में रोज काम करने जाता था। 15 रुपये रोज के खेत में मिलते थे। धीरे धीरे 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करके फिर मुझे जयपुर में अध्ययन करने के लिए अवसर मिला। राजस्थान यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद जीवन में करियर बनाने के लिए मैं मुंबई गया। जब मैं मुंबई गया तब मेरे पास सिर्फ 78 रुपये थे, कोई पहचान भी नहीं थी और चर्च गेट के फुटपाथ पर मैं 18 रात तक सोया था। रोज पार्ले जी बिस्किट का एक पैकेट खाता था जिसमें से सुबह 5 बिस्किट, दोपहर में 6 बिस्किट और शाम को 5 बिस्किट, 16 बिस्किट रोज खाता था। और इस प्रकार से 78 रुपये 18 दिन तक मुंबई में मेरे जीवन में बहुत यादगार दिन है। उसके बाद मुझे एक ऐसे महानुभाव से परिचय हुआ जिन्होंने मुझे घर घर जाकर के धार्मिक क्लास के लिए सुझाव दिया और तब से मैंने धार्मिक क्लास लेना प्रारंभ किया। जब इंडोनेशिया में 2004 में सुनामी हुआ तब सुनामी के केंद्र बिंदु पर मैं था और तब मैंने 2,30,000 लोगों के मुर्दे को देखा और उस समय मुझे ये भाव आया कि ये जो मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ है इस जीवन का सदुपयोग हो। तभी मुझे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की स्मरण में ऐसा मुझे भाव आया कि महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद् राजचंद्र जी, उनकी अनमोल रचना आत्मसिद्धि शास्त्र, जो परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी का सपना था, जो उन्होंने वचनामृत के 27वें पत्र में व्यक्त किया था कि मैं पूरी सृष्टि में पर्यटन करके सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। तभी मुझे ये भाव आया कि मैं संपूर्ण विश्व के 142 देशों की 415 भाषाओं में इस शास्त्र का अनुवाद कर 1,00,000 केंद्र पर स्थापना करूंगा। जिस समय मुझे ये भाव आया उस समय मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था, मगर सहज ऐसा संजोग और जगत के जीवों की भवितव्यता ऐसी कि ये मिशन 2014 25 दिसंबर के दिन मंगल शुभारंभ हुआ और 3 साल के भीतर ही पूरे विश्व के 142 देशों की यात्रा पूर्ण हुई और पूरे विश्व के आज 152 देशों की 415 भाषाओं में 1,00,000 केंद्र पर ये शास्त्र स्थापित हुआ है। ये जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और किसी भी देश में किसी की पहचान नहीं थी, फिर भी सहज ही उस देश की धरती पर पैर रखता और वहाँ सहज ही योग ऐसा मिल जाता और इस प्रकार से आज पूरी पृथ्वी का नक्शा लेकर के आप आओ और कहीं पर भी उंगली रखो ऐसी कोई भूमि नहीं मिलेगी कि जहाँ पर आत्मसिद्धि शास्त्र को पहुँचाने का मुझे अवसर न मिला हो। तो ऐसा मेरा सौभाग्य रहा है और मैं ऋणी हूँ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी। आज 152 देश और 152 देश में आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हुई। संपूर्ण विश्व के 152 देशों में वितरागी वाणी की सफल स्थापना के पश्चात वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जन्मभूमि उमराला में ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्मसाधना का शुभारंभ हुआ है। जो भी साधक अंतर की भावना से यह देह छूटने से पहले देहातीत दशा प्रकट करने की भावना भाता हो और आत्मसाधना की भावना भाता हो, यहाँ ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्मसाधना में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़कर अपने मनुष्य जीवन को सफल एवं सार्थक कर सकते हैं। और ख़ास कि यहाँ पर ज्ञान दीपकों के लिए रहने के लिए,
भोजन के लिए समस्त प्रकार की सुविधा है और समस्त शास्त्रों का, कैसेटों का, सीडीज वगैरह सभी उपकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं और किसी भी प्रकार के रहने, भोजन के लिए और शास्त्र के लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। निःशुल्क यहाँ पर साधना हो सकती है। तो आप में से कोई भी ये ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना में भाग लेना चाहते हो, वे यहाँ श्री धर्मेंद्र जी जैन का संपर्क करें अथवा इस वीडियो के नीचे जो लिंक दी गई है और वहाँ जो नंबर दिया गया है वहाँ भी आप संपर्क करके हम तक पहुँच सकते हैं। जगत के जीवों के साथ मिलकर ये जो चैतन्य तत्व की पुकार करके, आत्मा की पुकार करके मुझे जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, अब भावना पाता हूँ निकट काल में ऐसी दशा प्रकट हो कि जब मेरे पास कोई धन नहीं था और जैसे मैं खेत में ऐसे काम करने जाता था, अब ऐसा अवसर आए कि समस्त वस्त्र को त्याग करके और निर्ग्रंथ मुनि धर्म अंगीकार करके, वह अवसर कब आए कि मैं मुनि धर्म का पालन करूं और वन विहारी संत होकर निकट काल में मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वरण करूं। प्रणाम करता हूं।